हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, एक कार्डिगन और मैं बना रही हूँ। जो कार्डिगन आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है, उस कार्डिगन को मैं 1 मंथ के बेबी से 8 मंथ तक के बेबी के लिए बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 76 फंदे 10 नंबर की सिलाई पर डाल लिए थे और मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने ये एक उल्टा एक सीधा बुनकर बनाया है। एक उल्टा बुनिए, फिर सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उल्टी सिलाई आने पर जो फंदा हमने सीधा बुना है उसको उल्टा बुनना है और जिसको उल्टा बुना है उसको सीधा बुनना है। बस इसी तरह से ये बॉर्डर आपने कंप्लीट कर लेना है। और देखिए कितना बॉर्डर मैंने ये बनाया है, ये आप गिन लेंगे यहाँ पर हुक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे ये हुक आ जाए तब हमारा ये बॉर्डर कम्प्लीट हो जाएगा। अब देखिए गाइज, इसमें मैं ये 3 कलर से ही बनाऊंगी, लेकिन अब की बार मैं दूसरे कलर लगा रही हूँ। एक मैं इसमें ये गाजरी कलर लगाऊंगी और एक ये मैं यहाँ पर मेहंदी कलर लगा रही हूँ। आप जो भी आपका पसंदीदा कलर हो आप वो लगा सकते हैं। अब देखिए गाइज, हमने ये 76 फंदे डाले हैं तो इसमें हम अभी कोई सा भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो हमने पहले वाले कार्डिगन में यहाँ फंदे बढ़ाए थे लास्ट की सिलाई पर, तो ये 76 फंदे हैं हमारे। तो इसमें गाइज हम क्या करेंगे, देखिए हमारी ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पर हम देखिएगा गाइज, उल्टी सिलाई पर हम ये कलर चेंज करेंगे। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद उल्टी सिलाई पर कलर चेंज कर देना है हमने और फिर सीधी सिलाई से हम ये जालियां बनानी स्टार्ट करेंगे और फंदों को बांटेंगे। तो पहले ये कंप्लीट कर लो। देखिए गाइज, अब ये फंदे हम बांटेंगे सीधी सिलाई पर। तो पहला फंदा उतारा, अब हम पहले 9 फंदे बुनेंगे। किनारे पर हमारे दोनों कॉर्नर जो होंगे हमारे उन पर 9 फंदे आएंगे और बीच में 18 फंदे लेंगे और 4 फंदे हमारे ये सेंटर के हो जाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8 9, अब उनको आगे लाएंगे और उसी तरह से सेंटर बनाएंगे एक फंदे का। अब फिर से वूल को आगे लाएंगे, अब हमें यहाँ पर 18 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए यहाँ से दूसरी जाली डाली है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब दूसरा सेंटर बनेगा, पहले उनको आगे लेकर जाली डाली, फिर से उनको आगे लेकर अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे तो दोनों साइड इस सेंटर के फंदे के जाली आ जाएगी। अब एक फंदा हमने बुन दिया है, अब हमें ये 18 करने हैं कंप्लीट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब फिर से एक सेंटर, यहाँ तीसरा वाला सेंटर बनेगा, तो उन आगे लिया, जाली डाली, उनको फिर से वापस आगे लिया, फिर से 18 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 3 जगह तो गाइज हमारे ये यहाँ पर 18 18 फंदे हो गए। स्टार्ट में किनारे पर 9 फंदे लिए थे, लास्ट में यहाँ पर 9 फंदे रहेंगे। 2 4 6 8 देखिए गाइज, अब लास्ट का सेंटर बन रहा है, ये फंदा हो सेंटर का हुआ, फिर से उनको वापस लिया, अब ये 9 फंदे बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। सिर्फ सीधी, हर सीधी सिलाई पर हमें ये जाली डालनी होगी। जहाँ सेंटर का फंदा है, हर सीधी सिलाई पर हम जालियां डालेंगे। कितनी मैं ये जाली डालूंगी मैं आपको बता दूंगी। उल्टी सिलाई पर हमें सिर्फ उल्टा ही कंप्लीट कर देना है। और जब हम कलर चेंज करेंगे, कितनी चौड़ी पट्टी आपने बनानी है, कितनी आइए आपकी च्वाइस होगी, तो आप उल्टी सिलाई पर कलर चेंज करेंगे। देखिएगा गाइस, उल्टी सिलाई की मैंने कंप्लीट कर दी। अब हमारी फिर से सीधी सिलाई आई है। अब बस ये हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जाली से फंदा बढ़ा था। पिछली सिलाई पर हमने सीधी पर फंदा डाला था जाली का, तो बस अब ये फंदे बस बढ़ते जाएंगे। चार सेंटर है हमारे, चारों सेंटर पर देखिए एक जाली यहाँ बन गई है। बस अब इस वाले सेंटर के दोनों साइड हमें ये जाली डालनी है, हर सीधी सिलाई पर। बस तो इसी तरह से आप जालियां डालते जाइएगा, क्योंकि पूरी जालियां मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, सेम तरीके से डलेगी। बस जहां जहां पर सेंटर आएगा आपने वहां पर जाली बना देनी है। कितनी सिलाइयां मैं पट्टियां कितनी सिलाइयों की रखूंगी, कितनी सिलाइयों पर कलर चेंज किया है, ये सब मैं आपको बता दूंगी। देखिए अब आया है हमारा दूसरा सेंटर। अब यहाँ पर भी जाली डलेगी। देखिए जाली के ऊपर ही जाली आनी चाहिए, सेंटर के दोनों तरफ हमें ये जाली डालनी है अपने सामने उनको लेकर। देखिए गाइस, आठ सिलाइयां मैंने इस कलर की बना दी है और हमारी चार जालियां बन चुकी है। एक ये यहाँ पर है। अब देखिए उल्टी सिलाई पर मैं ये व्हाइट कलर लगाऊंगी। अब व्हाइट कलर की हमें ये करनी है, उसके बाद हम और कलर लगाएंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप कितने कलर लगाना चाहते हैं। बस उल्टी सिलाई पर कलर चेंज होगा, सीधे पर उसी तरह से जालियां डलती जाएंगी। देखिए गाइस, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ऊपर का सारा हिस्सा। ये मैंने आपको बताया भी था, देखिए यहाँ पर मैंने ये आठ सिलाइयों का, उल्टी सीधी आठ सिलाइयों का डिजाइन दिया है। ये भी आठ सिलाइयों का है और ये भी आठ सिलाइयों का है। तीन सिलाई के इन तीन डिजाइन के बाद फिर मैंने ये व्हाइट यहाँ पर 10 सिलाइयों का किया है, उल्टी और सीधी, और उल्टी सिलाई पर ही मैं ये कलर चेंज हुए हैं। फिर यहाँ पर मैंने दो सिलाइयों का, ये तीनों कलर के डिजाइन दिए हैं, दो ये दो ये दो ये, फिर मैंने उल्टी सिलाई पर ये व्हाइट कलर चेंज कर दिया है। अब हमें इन फंदों को बांटना होगा, तो किस तरह से बांटेंगे देखिए गाइस। देखिए ये वाला ये और ये हमारा आस्तीन में जाएगा। देखिए इस तरह से जब हम इसको रखेंगे इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो हमारा अगले पार्ट का हो जाएगा इस तरह से, और ये आस्तीन के ऊपर आएगा, ये आस्तीन के ऊपर आएगा। बैक साइड में हमारे यहाँ पर कुछ फंदे इधर से आ जाएंगे और कुछ इधर से आएंगे, तो ये इस तरह से आएगा। तो अब इन फंदों को हम बांटेंगे कि कितने कितने फंदे हम रखेंगे। तो मैं अब की बार आस्तीन में कम फंदे रखूंगी। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से ये फंदे बांट देंगे। देखिए गाइज, पहले हम किस तरह से इनका हिसाब लगाते हैं, इस एक साइड का और इस साइड का, दोनों साइड के ये देख लेते हैं सेंटर, और बीच के फंदे गिन लेते हैं। सेंटर के फंदे नहीं गिनते हैं, बीच में जितने फंदे आ रहे हैं, तो बीच में मेरे इस एक सेंटर में 57 फंदे आ रहे हैं। तो 57 में हम बांटने में हमें एक फंदे का कम पड़ रहा है, तो हम इनको 56 करके मापेंगे। एक फंदा हम अगले और पिछले पार्ट में ज्यादा ले लेंगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 56 का 28 फंदे, तो आधा 28 फंदे हो रहे हैं। तो 28 फंदे हम इस साइड निकाल देंगे। देखिए किस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 फंदे ये हमारे हो गए। तो अभी इन पर हम मार्क लगा लेते हैं, बाद में और ठीक से करेंगे इनको। देखिए गाइज, ये हमारे 58 फंदे हो रहे थे, तो हमारे ये मैंने अभी ये 29 पर आधे पर ये मार्क लगा दिया है, क्योंकि ये हमारा बैक साइड का रहेगा। ये वाला हिस्सा जो किनारे पर आ रहा है, ये हमारा बैक साइड का पिछले पर्दे का रहेगा। अब ये फंदे जो है हमारे कितने हैं देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
लगा रहे हैं गाइस, क्योंकि आस्तीन में तो हमें कम फंदे रखने हैं।
अब हम इतने ही फंदे इस साइड गिनेंगे, देखिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ इस तरह से आएगा, इस तरह से, क्योंकि बैक साइड में जाएगा ये। तो अब हमें यहाँ पर भी फंदे गिन लेने हैं, कितने फंदे हमें यहाँ पर रखने हैं, 29 फंदे इस साइड के ले लेंगे और 29 इस साइड के। तो चलिए गिनकर मैं मार्क लगा दूं, 29 इधर से लूंगी पहले, 29 इधर से लूंगी। देखिए अब जो मैंने निशान लगाया है अगले और पिछले पार्ट पर, 29 इस साइड है इस सेंटर के और 29 इस साइड है, 29 29, और ये सेंटर का फंदा हमारा एकदम अलग है। तो ये हमारे जो है 58 फंदे ये हो रहे हैं और एक फंदा ये सेंटर का 59 फंदे हो रहे हैं। अब ये फंदे हमारे कम है तो हमें आस्तीनों में, हमारे अब आस्तीन के और अगले पिछले पार्ट के बराबर फंदे हो रहे हैं। तो अब हमें आस्तीनों में से के जो है हमने 24 24 फंदे दोनों साइड से लेने हैं। ये सेंटर है आस्तीन का, तो 24 इस साइड से और 24 इस साइड से लेंगे, तो आस्तीन के हमारे ये और एक सेंटर का अलग हो जाएगा ये फंदा बीच में। 24 24 हम लेंगे तो हमारे ये 48 फंदे आस्तीन के लिए हो जाएंगे। तो देखिए अब मैं इधर से 29 फंदे थे ये, तो हम 29 में से 4 फंदे में इस साइड लिए लेती हूँ और 4 इस साइड से लूंगी। टोटल हमें ये यहाँ पर 29 फंदों पर मार्क लगाना है आस्तीन वाले, सॉरी 24 पर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 फंदे हमारे ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वाला मार्क मैं 24 पर लगा रही हूँ, 24 ही दूसरी साइड से लेंगे सेंटर के फंदे से दूसरी साइड के। तो बस इस तरह से आप हिसाब लगा लेंगे, जितना आप आस्तीन में रखना चाहते हैं और जितने आप अगले और पिछले पार्ट में ज्यादा रखना चाहते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 फंदों पर हम यहाँ पर ये मार्क किए देते हैं। चाहे तो आप इनको सुई में डाल दें, धागा डाल के सुई में ये फंदे आप कर लें, तो आपके ये फंदे जो है सेफ हो जाएंगे और बस आपको पहले एक अगले पार्ट में ही के फंदे निकालकर सीधे ये जो तिरछा डिजाइन है उसको सीधा करना होगा। देखिए गाइज ये किनारे पर हमारे यहाँ पर 29 29 फंदे हो रहे हैं, तो ये यहाँ 35 करने हैं हमें। अब हमारे अगले और पिछले पार्ट में 35 35 फंदे दोनों साइड के सेंटर के हो गए हैं। तो अब हमारे टोटल एक पार्ट में अगले में 70 फंदे हो गए हैं। तो गाइस देखिए ये अभी तो मैं यहीं पर रहने दूंगी, इधर ही डाल दूंगी, सिर्फ मैंने ये मार्क का निशान लगा रही हूं क्योंकि मैं पहले यही वाला हिस्सा स्टार्ट कर दूंगी। देखिए गाइज आप चाहे तो आप ये 70 फंदे 35 इधर के हैं, 35 इधर के, सेंटर का फंदा अलग है, ये 71 फंदे अलग सिलाई में कर लें, दोनों पर्दों के अलग अलग सिलाई में डाल लें, दोनों आस्तीन के अलग सिलाई में डाल लें, या किसी निडल में वूल लेकर उसमें भी आप इन फंदों को प्रो सकते हैं, तो आप और आराम से ये कार्डिगन बना लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा वूल से दिखाई देती हूँ। देखिये मैं आस्तीन के जो फंदे हैं उनको निडल में लेकर इस तरह से यहाँ पर पूरे फंदे इस वाले धागे में ले लूंगी, तो मैं इनको यहाँ पर अलग बांध दूंगी। आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा इसलिए मैं ये अलग कर रही हूँ, वरना मैं अपनी एक ही सिलाई पर ये फंदे बना लेती। तो पहले मैं ये पूरे फंदे इस धागे में ले आऊं। देखिए गाइस ये आस्तीन के फंदे मैंने सब एक धागे में पिरो लिए हैं। जब हम इन्हें बुनेंगे तो हम इन फंदों को फिर से सिलाई में डाल लेंगे और इन्हीं में के 6 फंदे हमारे बैक साइड में आ रहे हैं। तो ये फंदे हमारे यहाँ पर निकल गए हैं, इनको हम इस साइड ले लेंगे। क्योंकि पहले वाला हम यही वाला हिस्सा बनाएंगे। देखिए गाइस अब हम इनको सीधा किस तरह से करेंगे।
देखिए ये छह फंदे इस साइड के इधर वाले कॉर्नर से, छह फंदे इस कॉर्नर पर भी आए हैं, जो दोनों साइड के किनारे थे तो छह फंदे इस साइड से भी हमारे इस कॉर्नर पर आए हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारा बैक साइड का रहेगा, ये वाला सेंटर जो है ये हमारा बैक साइड का रहेगा। तो गाइज देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देती हूँ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो के लिंक दूंगी, उसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये किया है। तो देखिए सीधी सिलाई पड़ रही है, दो फंदे हमने बुने, वापस से हम लौट जाएंगे और इन दोनों ही फंदों को हम बुनेंगे उल्टा। अब फिर से हम वापस जाएंगे, इन दो फंदों को बुनते हुए नेक्स्ट सिलाई से दो फंदे और ऐड कर लेंगे। फिर से हम वापस जाएंगे, फिर से हम ये यहाँ पर चार फंदों को बुनेंगे। हर बार सीधी सिलाई पर दो फंदे ऐड होते जाएंगे, अगर सीधी है तो सीधी पर, और अगर उल्टी पर स्टार्ट किया है तो उल्टी पर। अब देखिए ये चार फंदे हमारे यहाँ पर बुने गए, अब हम इन दो फंदों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब पहले हम इन छह के छह फंदों को बुनेंगे, हर बार दो फंदे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए फिर से वापस होंगे, पहले इन्हीं छह फंदों को हम बुनकर लाएंगे और साथ में दो फंदे और हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहां से हम दो फंदे हमने और ऐड किए और फिर वापस हो जाएंगे। बस इसी तरह से ये हमारी तिरछा डिजाइन जो है ये सीधा हो जाएगा, और ये हम जो सेंटर के फंदे तक जो 35 ये फंदे हैं, पहले इनको सीधा करेंगे, फिर सेंटर से दूसरे वाले 35 उस साइड के निकाल कर किनारे पर लाकर उनको हम सीधा करेंगे। ये देखिए अब हमारे ये आठ फंदे हो गए हैं। अब फिर से दो फंदे ऐड करेंगे, अब हमारे यहाँ पर 10 फंदे हो गए हैं। पहले इन 10 फंदों को बुनकर लाएंगे। बस अब हर सीधी सिलाई पर आपको दो फंदे साथ में ऐड करते हुए जाना है। तो पहले ये वाले ऐड कर लाऊं, बना लाऊं, मैं सीधा कर लाऊं डिजाइन, उसके बाद आपको मैं दूसरी साइड का दिखाऊंगी। ये गाइस काफी फंदे हमारे सीधे हो गए हैं, बस दो फंदे साथ में ऐड करने के बाद वापस उल्टी सिलाई पर लौटना है। अब देखिए दो फंदे ऐड करेंगे इधर से और वापस लौटकर उल्टी सिलाई पूरी करेंगे और फिर सीधी बुन कर लाएंगे, तो सीधी पर दो फंदों को ऐड कर लेना है। देखिए गाइज अब ऐड करने के लिए हमारा ये यहाँ पर सिर्फ एक फंदा बचा था, 35 थी ये, तो इसको हम यहीं पर बुनकर और इस फंदे को बिना बुना इस वाली सिलाई पर ले लेंगे। अब हमारे गाइस देखिए ये 35 फंदे सीधे होने हैं, एक साइड तो देखिए हमारी ये सीधी हो गई, और ये हिस्सा जो है आप बिल्कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ तक, बस इस जगह तक जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हुआ है यहाँ तक सिलाई कर देंगे पीछे की साइड से, बैक साइड से। तो देखिए एक हिस्सा तो हमारा ये सीधा हो गया इस हमारे बैक साइड के पार्ट का, अब ये सीधा करना है तो हमें इन फंदों को इस साइड से तो सिलाई में डालेंगे हम, देखिए इस साइड से सिलाई में डालकर लाएंगे और सिलाई के मुंह पर हमें उस साइड का फंदा लाना है, क्योंकि उस इधर की साइड से ही हमारा ये डिजाइन सीधा होगा। तो ये हम पूरा अपने 35 फंदे इस सिलाई में ले लें। देखिए गाइज इस सिलाई में ले लिया, इस मार्क को हटा देंगे, अब ये वाले फंदे हमारे इसी सिलाई में रहेंगे। अब देखिए इधर से बुनेंगे तो ये अब उल्टी सिलाई पर आएगा, तो हर उल्टी सिलाई पर अब ये फंदा ऐड होगा और ये वाला धागा इस साइड से हम यहाँ पर कट कर देंगे और इस साइड पर लगा देंगे। ये देखिए पहले दो फंदे बुनेंगे और वापस से लौटेंगे, सीधी सिलाई बुनेंगे, फिर अब के बाद देखिए इस साइड से हमारा ये उल्टा हिस्सा पड़ रहा है, तो हम ये उल्टे पर दो फंदे ऐड करेंगे। पहले सीधा आ रहा था तो सीधे पर कर रहे थे, अब की बार उल्टा आ रहा है तो हम उल्टे पर ये दो फंदे ऐड कर लेंगे। देखिए इन दोनों फंदों को हमने बुना,
वापस से इन दो ही फंदों को उल्टा बुनेंगे और साथ में ये दो फंदे यहां से ऐड कर लेंगे। फिर वापस से चार फंदे बुनेंगे। बस इसी तरह से ये हमारा डिजाइन सीधा होता जाएगा। अब के बार उल्टी सिलाई है तो उल्टी पर दो ऐड हो रहे हैं, इधर सीधा था तो सीधी पर हो रहे थे। अब मैं जो हमारा एक दूसरा पार्ट आएगा, अगला पर्दा, उसका मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सेम तरीके से आपने कर लेना है। और आस्तीन के फंदों को भी उसी तरह से आपने बनाना है जिस तरह से मैं ये वाले फंदे बना रही हूँ, सेम तरीके से। देखिए वापस लौट जाएंगे तो अब ये वाले फंदे भी मैं सीधे कर लाऊंगी। और जब आपके ये फंदे भी सीधे हो जाएंगे तो बस आपने सब फंदों को सीधा पूरी सिलाई को बुन देना है। देखिए गाइज, दो फंदे ये बचे हैं, दोनों को ऐड कर रही हूँ। अब लास्ट का एक फंदा बचेगा जिसे हम वापस आते हुए ऐड कर लेंगे। देखिए गाइज, ये लास्ट का जो फंदा रह गया था इसको भी यहीं पर बुन देंगे हम। और अब हम इस वाले उसको देखिए, जो इस सिलाई पर थे, जो पहले हमने सीधे किए थे फंदे, देखिए ये हमारा पूरा सीधा हो गया है, एक पार्ट का हिस्सा। बस सेम तरीके से आपने, और ये वाला भी हिस्सा मैं अभी सिलाई कर दूंगी तो ये सब एक जगह को हो जाएगा। और पहले बस मैं आपको ये दिखा दूं, ये एक फंदा ऐड करने के बाद अब हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। देखिए पहले ये जो धागा हमने यहाँ काटा था इसे यहाँ बांध देंगे, एक नोट लगा देंगे, और अब जो हम फंदे बुनते जाएंगे उसके ऊपर को इस धागे को आप इस तरह से लेते हुए चले जाना तो ये धागा दिखाई नहीं देगा। बस ये सब फंदे यहाँ तक, और उसके बाद मैं इसमें कौन सा डिजाइन डालूंगी ये मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए गाइज, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सिलाई कर दूं तो ये सब एक जगह को हो जाएगा। बहुत ही सफाई से आपने इसको सिलाई करना है कि ये पट्टी से पट्टी मिल जाए और यहाँ पर अलग अलग पट्टी ना हो, जो हमारे ग्रीन डिजाइन आ रहा है उसकी पट्टी बिल्कुल मिली मिली आए।